नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश उरुग्वे के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले बता दूं कि बहुत सारे कॉपी चैनल होने के वजह से मेरे हर वीडियो के थंबनेल यानी पोस्टर के कॉर्नर पे मेरे चैनल का लोगो दिया जाता है। दोस्तों, उरुग्वे दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना के पास में स्थित एक छोटा सा देश है जिसको प्राकृतिक तौर से बहुत ही खूबसूरत देश माना जाता है, और यह इतना खूबसूरत है कि इस देश को दक्षिण अमेरिका का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। सूरीनाम के बाद उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे छोटा देश है, लेकिन यहाँ पे गाए जाने वाली राष्ट्रीय गीत दुनिया में सबसे लंबा है, जिसे लगभग 6 मिनट से ज्यादा समय तक गाना होता है। उरुग्वे दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ की नेशनल डिश सैंडविच को रखा गया है। 2010 से 2015 तक रहे जाने वाले उरुग्वे के प्रेसिडेंट जोस पेपे मुजीका को दुनिया का सबसे गरीब प्रेसिडेंट माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सैलरी से मिलने वाले ज्यादातर पैसे को चैरिटी में दान कर दिया था। ये ऐसा एक प्रेसिडेंट थे जिन्होंने प्रेसिडेंट भवन को छोड़कर एक कमरे के एक मकान पे रहना पसंद किए। 1985 से पहले उरुग्वे में मिलिट्री शासन लागू था, लेकिन बाद में यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार का प्रतिष्ठा हुआ। उरुग्वे एक सेकुलर देश है, लेकिन यह देश दुनिया के अन्य सेकुलर देशों से काफी अलग माना जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे राष्ट्र और धर्म के बीच किसी भी तरह का संबंध पाया नहीं जाता। यहाँ तक कि यहाँ के आधे से ज्यादा आबादी ईसाई होने के बावजूद यहाँ पे ज्यादा धार्मिक छुट्टी नहीं दिया जाता, और क्रिसमस जैसे दिनों को यहाँ पे फैमिली डे के नाम से छुट्टी दिया जाता है। उरुग्वे दुनिया का पहला देश है जिसने 2009 में देश के सारे स्कूल के बच्चे को मुफ्त में लैपटॉप और इंटरनेट दिया। यहाँ पे गाय की संख्या यहाँ के कुल आबादी से भी लगभग 3 गुना है, लेकिन यहाँ के हर गाय के ऊपर नजर रखा जाता है, और इस देश पे आने वाले पैसे का एक बड़ा हिस्सा मांस का एक्सपोर्ट करने से आता है। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का पहला देश है जिसने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दिया। उरुग्वे में सिगरेट पीने के ऊपर कठोर रूप से बैन लगाया गया है। उरुग्वे दुनिया का पहला देश है जहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप कराया गया और जो पहला वर्ल्ड कप जीतने में सक्षम हुआ। उरुग्वे का आदमी प्रति इनकम लगभग भारत का 3 गुना है, और यहाँ का रहन सहन काफी अच्छा माना जाता है। उरुग्वे में करप्शन की मात्रा दक्षिण अमेरिका में सबसे कम है। उरुग्वे का पैसा का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है, जो यहाँ के अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। उरुग्वे का राजधानी और सबसे बड़ा शहर मोंटेवीडियो है। उरुग्वे में चलने वाली करेंसी पेसो है, और यहाँ का एक पेसो भारत का लगभग 2.25 रुपए होता है। उरुग्वे की कुल आबादी लगभग 35 लाख है, और इनमें ज्यादातर लोग स्पेनिश में बात करते हैं। उरुग्वे के लोग और यहाँ की संस्कृति काफी मॉडर्न मानी जाती है। उरुग्वे का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, जो कुल आबादी का लगभग 56% है, और बाकी बचे लोग किसी भी धर्म का पालन नहीं करते। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा नहीं लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं क्यों अच्छा नहीं लगा।